સેલવાસ પોલીસે પેટ્રોલિંગ દરમિયાન એક કિલોના ગાંજાના જથ્થા સાથે બે આરોપીની ધરપકડ કરી હતી. સંઘ પ્રદેશ દાદરા નગર હવેલીના પોલીસ અધિક્ષક હરેશ્વર સ્વામીને બાતમી મળી હતી કે બે સમૂહ ગાંજો લઈને સેલવાસમાં આવી રહ્યા છે. જે બાતમીના આધારે પોલીસે બોમ્બે બિરયાની નામની દુકાનની નજીક એક કિલોથી વધુ વજનનો ગાંજાનો જથ્થો લઈ આવનાર મૂળ મહારાષ્ટ્રને હાલમાં સેલવાસમાં બાવીશા ફળિયા ખાતે તવશંત કોડી તથા ખંડુ પાટીલની ધરપકડ કરી હતી. पिपरिया एरिया में हमारी जो टीम है इन्होंने गांजा की रिकवरी करी है. लास्ट फ्यू डेज से अंदर डी डायरेक्शन ऑफ DIGP एंड SP हरेश्वर सर हम लोग कॉन्टीन्यूसली इस पर नज़र रखे हुए थे कि कोई इस तरह की एक्टिविटी अगर चल रही है उसको हम लोग रोकें और जो ड्रग है उसको सीज करें और कंसर्न लोग जो हैं उनको भी ट्रेस आउट करके इस नेक्सस को तोड़ें. उसी के तहत ये सर्च ऑपरेशन और पेट्रोलिंग वगैरह चल रही थी जिसमें कि कल आमली एरिया में ड्यूरिंग पेट्रोलिंग इसको पकड़ा गया दो लोगों को. उनको सर्च वगैरह किया गया तो उसमें उनके पास से अराउंड 1 kg गांजा मिला है. इसके मद्देनज़र आगे कार्रवाई करते हुए FIR दर्ज की गई. एक्यूज़ को अरेस्ट किया गया और आज पेश किया गया. पुलिस कस्टडी भी हमको मिली है और अब ड्यूरिंग पुलिस कस्टडी हम इसमें और इन्वेस्टिगेशन करेंगे. आगे इसमें कोई लिंक मिलता है तो उसको भी वर्कआउट करेंगे और कोई इसमें बड़ी इन्फॉर्मेशन है तो उस पर भी काम किया जाएगा. इसकी प्रेस रिलीज भी रेडी है, वो हम आपको दे देंगे. और सेकंड है